चलिए बिल्टअप बीम को आगे देखते हैं। ये हमने आउट स्टैंड के बारे में देख लिया था, आउट स्टैंड ऑफ रिवेट, ये दोनों तरफ सेफर साइड में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अगला स्टेप जो है ये हमने डायग्राम यहां पर बनाया होगा कि देखिए ये बीम का पोर्शन है जिसका डेप्थ कितना है, 500 है। अगर आप उसकी पूरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दोनों तरफ कवर प्लेट प्रोवाइड कर दिया है जिसका थिकनेस 16 mm है, जिसका ब्रेथ कितना है 400 है, ठीक है। ये हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया था, ये 400 mm और ये यहां पर 16 mm थिकनेस है, ठीक है। ये YC का मतलब है डेप्थ ऑफ एक्सट्रीम फाइबर एंड कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये YC है। अगर इसकी वैल्यू देखें इस डायग्राम में तो YC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक है 250, ठीक है, और 250 और 266 हो जाएगा, ठीक है, YC की वैल्यू। अब यहां पर सबसे पहले सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड निकालना है हमको, तो सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड का जो फार्मूला है वो एम अपॉन आई एक्स एक्स ऑफ ग्रॉस सेक्शन, जो हमने पूरा कंपोजिट सेक्शन बनाया, इनटू YC। तो YC की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, ये इसका हाफ हो जाएगा 250 और पूरा 16 पूरा होगा, क्योंकि टॉप कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब आई एक्स एक्स ग्रॉस का सबसे पहले निकाल लें, मोमेंट तो हमको पता ही है कितना है, YC पता चल गया, आई एक्स एक्स ऑफ ग्रॉस सेक्शन, तो ग्रॉस सेक्शन के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों तरफ जो प्लेट प्रोवाइड की है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ये जो न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया है, इसी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका CG वाली लाइन है, एक तरीके से ये कहें कि ओवरऑल का CG है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस ना कहकर उसको CG कहें, कि यहाँ पर जो CG वाली लाइन है उसके रिस्पेक्ट में ओवरऑल का CG यही होगा एक्स एक्स एक्सिस के लिए अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर ये ओवरऑल का जो एक्स एक्स एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई एक्स एक्स ऑफ बीम भी हो जाएगा सेंटर एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और प्लेट का भी, तो दोनों प्लेट का एक का निकाल लेंगे उसका डबल कर देंगे। आई एक्स एक्स ऑफ बीम तो हमको पहले ही पता है, अब हमें इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले उसकी खुद की एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर यहां से लेकर के यहां तक उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, उसके सेंटर से ओवरऑल का जो CG है उसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आई एक्स एक्स हो गया बीम का। अब प्लेट के लिए एक प्लेट का निकालेंगे उसका 2 times कर देंगे, तो प्लेट का खुद का कितना होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में BD³/12 400 × 16³/12 16 उसका थिकनेस है तो 14 × 16³/12। अब उसको ट्रांसफर करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो एरिया कितना है 400 × 16 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके CG से इसके CG तक का डिस्टेंस, तो इसका CG देखिए 250, तो ये नीचे से नीचे हो जाएगा 500/2 और ये 16/2, तो ये 500/2 250 हो गया और 16/2 8 हो गया, तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 250 प्लस 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका किसके रिस्पेक्ट में आ गया एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे टोटल, उसका 2 times कर देंगे तो ये आंसर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में आ गया। अब सिग्मा बीसी कैलकुलेटर निकालना है तो एम का जो वैल्यू है उसमें आई एक्स एक्स ग्रॉस से डिवाइड कर दीजिए और YC मैंने आपको बता दिया 250 प्लस 16 होगा, तो ये कितना आ गया है 137.09 आ गया, जो कि 165 से कम है, सेफ हो गया सिग्मा बीसी, सेफ हो गया। अब सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड निकाल लेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस जो टेंशन की वजह से आ रहा है वो भी हमारा सेफ आ रहा है या नहीं, ये किसकी वैल्यू है 0.66 FY जो कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड निकालना है तो हमको पता है कॉम्प्रेशन फोर्स किसके बराबर होगा, टेंसाइल फोर्स के बराबर, तो सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड इंटू ग्रॉस एरिया, सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड इंटू नेट एरिया, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। ये ग्रॉस एरिया का मतलब मैंने आपको बताया था कंप्रेशन में ग्रॉस एरिया, और यहाँ नेट एरिया का मतलब है टेंशन फ्लेंज जो है उसका नेट एरिया, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे ऊपर जो ग्रॉस सेक्शन अगर देखते हैं केवल कंप्रेशन फ्लेंज का, ठीक है, यहाँ पर कंप्रेशन फ्लेंज क्या है, कंप्रेशन फ्लेंज यानी इसके ऊपर का पोर्शन ये यहाँ, ठीक है, टेंशन फ्लेंज यानी कि इतने के ऊपर नीचे, ठीक है, यानी ज्वाइंट के पास से ऊपर तक का एरिया, यहाँ ज्वाइंट से नीचे तक का एरिया,
तो कंप्रेशन फ्लेंज कितना हो जाएगा, प्लेट का एरिया 400 × 16 और इसका थिकनेस ऑफ फ्लेंज जितना होगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 250 उसका बिट, ठीक है, यानी इसका ग्रॉस एरिया 400 × 16 प्लस 250, ये इसका बिट हो गया 250 × थिकनेस जो होगा फ्लेंज का वो, ठीक है, वही एरिया इसका भी है, लेकिन अगर नेट एरिया निकालना है तो उसमें फिर रिवेट जो यूज हुई है उसको माइनस कर देंगे उसका एरिया, तो रिवेट का एरिया कितना हो जाएगा, डी नॉट इंटू टी होता है तो दो रिवेट है तो 2 × D0 × T हो जाएगा, डी नॉट कितना हो जाएगा 22 mm की है तो 23.5 हो जाएगा, और टी कितना हो जाएगा, देखिए कितनी थिकनेस में रिवेट है, इसकी फ्लेंज की थिकनेस और इसका प्लेट का थिकनेस 16 प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक है, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज यहाँ पर हमने नोट किया हुआ था, इसका कितना है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये 14.7। तो देखिए इसका किस तरीके से हमने लिखा हुआ, 1400 × 16 जो कि प्लेट का एरिया है और 250 × 14.7 ये ग्रॉस एरिया हो गया कंप्रेशन फ्लेंज के लिए, 250 × 14.7 ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है और ये विड्थ ऑफ फ्लेंज। सिमिलरली नेट एरिया भी वही रहेगा लेकिन उसमें से रिवेट का एरिया माइनस हो जाएगा, तो दो रिवेट है तो 2 times और एक रिवेट का जो हमारा डायमीटर है और थिकनेस, थिकनेस कितना है, होल का थिकनेस, जो प्लेट का थिकनेस है वो भी, और साथ ही साथ फ्लेंज दोनों से होते हुए रिवेट पास हो रही है, तो 16 + 14.7 तो यहां से आपको नेट एरिया मिल गया। अब इसमें रख दीजिए तो सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड पता है, ग्रॉस एरिया पता है, नेट एरिया पता है, सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड मिल जाएगा जो कि 160 आ गया है, 165 से कम है, ठीक है, ये आरके ढोकले की बुक में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, ये करेक्ट है 160 N/mm² जो कि 165 से कम है, सेफ साइड में आ गया। तो हमने देख लिया कि इस बीम के लिए जो हमने प्लेट प्रोवाइड किया था वो पहली बात तो उसका आउट स्टैंड लिमिट में है, दूसरा ये है कि सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड लिमिट में है और सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड भी विद इन लिमिट है, यानी कि सेफर साइड में, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, उसको सीयर के लिए चेक कर लेंगे और फिर डिफ्लेक्शन के लिए, वैसे ही जैसे चेक करते रहे, सीयर फोर्स निकाल लेंगे WL/2 से और यहाँ पर वही TW×H से ये 0.4 FY से कम हो गया, सेफ हो गया। डिफ्लेक्शन के लिए भी स्पैन अपॉन 325 27.7 है और ये 5WL^4/384 EI तो यहाँ पर भी रखेंगे तो ये आपको 21.74 आ गया जो कि 27 से कम है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये सब सेफर साइड में हो गया। तो हमें क्या करना है, कवर प्लेट को 400 × 16 mm को दोनों ही तरफ फ्लेंज में प्रोवाइड कर देना है इस बीम के ऊपर, ये फाइनली चेक हो गया, ठीक है। बिल्टअप बीम डिजाइन करते टाइम शियर और डिफ्लेक्शन के लिए तो चेक करना ही है ओवरऑल सेक्शन को, उससे पहले जो हमने कवर प्लेट प्रोवाइड किया है उसकी वजह से ओवरऑल सेक्शन का सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड और सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड भी चेक कर लेना है कि वो विद इन लिमिट है या नहीं। इस तरीके से आपका ये बीम का डिजाइन पोर्शन भी फिनिश हो जाता है, ठीक है, थैंक यू।